फिर हमको मंदी कहाँ दिखाई दे रही है? मंदी नहीं है ये, मंदी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सुनो, मैं अगर मंदी नहीं होती ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोलूं, ये अगर मंदी नहीं होती, क्या बोलना है, कहाँ कहाँ के लिए, कहाँ के लिए बता रहे हैं आप? गुजरात में किस जगह की मंडी है? गोंडल लिखो। हाँ बोलिए। गोंडल, गोंडल सबको मालूम है इंडिया में, मोस्ट ऑफली गोंडल। हाँ, राजकोट, हाँ, जेतपुर, हाँ, जामनगर, हाँ, बरोबर। वो जामनगर का गांव का एरिया जो निकल के सीधा जाता है डायरेक्ट मंडियों में, अहमदाबाद जाता है, कोई मेहसाणा जाता है, सीधी गाड़ियां निकलती है, कोई महुआ भावनगर जाती है, वो एरिया में 300 से 350 गाड़ी का पड्डे की निकासी थी अगले साल की। अगली साल वो आएगा नहीं वो बता दो, उसमें 50 गाड़ी भी नहीं आई, लिखना है तो लिख दो, ठीक है, 50 गाड़ी भी नहीं आएगा, हाँ वो लिख लो, बरोबर। दूसरी बात, अभी बुआई हो रही है, अभी भी बुआई नहीं हो रही है क्योंकि रोप ही नहीं है जी, नर नहीं है तो मादा मादा क्या करेगी? सही है ना, बच्चा कहाँ से पैदा होगा, बच्चा कहाँ से पैदा होगा? लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, समझ दे तो आप, रिकॉर्डिंग देख दो, ये पक्का प्रूफ है, मैं गोंडल में बैठा हूँ अभी भी मंडी में। ठीक है ठीक है ठीक है, और बताइए इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं है, अलवर जाए जो भी हो, अलवर अभी कच्चा है, आएगा तो लंबा कोई काम वाला है नहीं। नहीं, अगर अनवर आता भी है, एक चीज मेरे को बता दीजिए, जब हमारे देश में 2500 से लेके 3000 पर डे की गाड़ी की खपत है कोई भी चीज का, अगर प्यार की हमारी खपत 2500 से 3000 गाड़ी की पर डे की खपत है, क्या अनवर में इतना खपत देने की उनके पास क्षमता है क्या? नहीं है, नहीं तो है। फिर मद्दी उनको अनवर में कहां, इनको पप्पू भैया को दिखाई दे रहा है, मेरे को ये चीज बता दीजिए। अब दूसरी बात बताता हूँ, रुको यार। जी उत्तराखंड, जी उत्तराखंड का एरिया पहाड़ी का टूरिज्म एरिया पूरा खुल गया है, बॉम्बे 5 तारीख के बाद खुल रहा है, ठीक है, बरोबर। तो उसकी गराकी कहाँ जाएगी? हमारी यूपी, हमारी यूपी, यूपी की पूरे स्कूल चालू होने जा रही हैं, हमारे यूपी के पूरे जितने रेस्टोरेंट है सब खुलने जा रहे हैं, हमारे यूपी के जितने ये अपना होटल पोटल है सब खुलने जा रहा है, बरोबर। आपको मैं बताता हूँ, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया जी, आज दो गाड़ी मेरे को मांगी है, पाल्टी ने बोला नीलेश भाई मेरे को दो गाड़ी बनाना सोमवार को, मैं ठीक है जी, 5 तारीख के बाद में खुल रहा है, बरोबर। अभी क्या हो गया है, बात सही है, मैं समझता हूँ, क्या मजार बंदा क्यों है, हल्के सुल्के माल जो जा रहे हैं, सस्ता मांग रहे हैं सब, चोपड़ा मांग रहे हैं, पहले प्याज बाद में चाहिए। मैं एक चीज बताऊँ नीलेश भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैं एक चीज आपको दे रहा हूँ, न्यूज दे रहा हूँ, आज की डेट में अपने को साउथ की मान पूरे कलकत्ता, सिंधीगुड़ी, पूरे वेस्ट बंगाल को, पूरे एरिया को, पूरे साउथ में इस समय मान जाता था, 20 से 25 गाड़ी पर डे की लोडिंग थी, आज की डेट में एक भी गाड़ी की लोडिंग नहीं चल रही है। दिल्ली में पर डे कम से कम 20 से 25 गाड़ी, 30 गाड़ी की पर डे की लोडिंग थी, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है साउथ की। फिर पप्पू भैया को मद्दी कहाँ से दिखाई दे रही है, मेरे को ये बता, पप्पू भैया का काम क्या है ना, ये दिमाग इनका क्या लगा हुआ है कि पप्पू भैया के दिमाग में घुस गया है कि बस जब तक नासिक और एमपी जब तक मान खत्म नहीं होगा तब तक हमारे अनवर में कोई व्यापारी आएगा नहीं। वो बात सही है, वो व्यापारी नॉलेज बात नहीं हुई, जनरल चर्चा में क्या होना चाहिए, खुद की बात नहीं सोचनी चाहिए। नहीं नहीं, वो खुद की बात सोच रहे हैं कि जब तक हमारे पैकार, देखिए देखिए एक चीज होता है, अनवर की प्याज की सब जगह डिमांड नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, मेरे को मालूम है। अनवर की प्याज की डिमांड सिर्फ दिल्ली हो गई, कभी कभी यूपी आ गया, बिहार आ गया, बंगाल आ गया, असम आ गया, आपका साउथ, साउथ बेंट वाले लोग ज्यादा मान ज्यादा खरीदते थे, पहले तो गोंडल का मान खरीदते थे, गोंडल में अगर नहीं होगा तो फिर एक ना अनवर से मान खरीदते हैं। और मेरे को एक न्यूज और मिली है कि पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट के पांटियों को नासिक डिस्ट्रिक्ट की प्याज चाहिए, पुरानी मान की उनको आवश्यकता है, ये सोमवार मंगलवार से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। बात सही है, मैं समझता हूँ राजू भैया, एक बात ये भी बताता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने ग्रुप में नहीं डाली है, मैं लोगों को बुरा असर जाएगा, अफगानिस्तान वाली गाड़ियां खड़ी है, सुनो मेरी बात, बॉर्डर पे, अमृतसर वाघा बॉर्डर पे गाड़ी कल या परसों घुस जाएगी, बरोबर है, उसने जो निकाल दिए वो निकाल दिए, वो बिकेगा नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा, वो माल कोई नहीं लेगा, नासिक का चोपड़ा खाएगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि अभी पंजाब में नासिक का चोपड़ा ही चल रहा है 15-20 रुपया वाला, जी 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 जी, जम्मू तक कहाँ तक जी, अरे वो भी गाड़ी आएगी 50-60 इंडियन गाड़ी हो जाएगी, ऐसा अनुमान है, 15-20 गाड़ी तो खड़ी है, बड़ी गाड़ी वो फाइनल है,
उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन 4-5 दिन के लिए होल्ड। बाकी मैं तो बोलता हूँ ये घबराहट आने दो, माल निकल जाए 10 दिन में। जी 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 जी, धोती अच्छे पैसा का 60-70 रुपए लेना है तो। लेकिन नितिन हमको एक चीज बता दीजिए, अग्नि चांदी मैंने यही समय है, मैंने 26 या 27 तारीख को के मार का के वो अपना आदि ट्रेडर्स का तांडवर से प्यार मैंने 43 में लिया था, मुझे याद है 43 में मैंने लिया था। मार्केट जाकर 43 के बाद मैंने 45 में भी एक गाड़ी मान लिया, ये तब मान मेरे को कम से कम मैंने 20-25 गाड़ी मान लिया, मेरे को 70-80 लाख रुपया नुकसान हुआ उस गाड़ियों में। मार्केट जाकर इसी समय मार्केट टूट गई थी, जो आज की डेट में घबराहट है ना वही घबराहट अग्नि स्थान भी थी। थी थी 25-30 हो गया था, 25-30 हो गया था वही मान मैंने 25-30 में बेचा था। नहीं मैंने लिया था 25-30 में। हाँ मैंने बाद में मैंने बाद में मेरे को याद है मैंने 21 तारीख में गाड़ी लिया पारस सेट का 2650 रुपये का बराबर, और मैंने 2650 में मैंने 21 तारीख को लिया, मैंने 23 तारीख में 3775 रुपये में पिया लिया उनका पारस सेट का 3775 23 तारीख में, मैंने 24 तारीख में उन्हीं का पीआर मैंने 4500 रुपये में लिया बराबर, मैंने 27 या 28 तारीख की डेट में मैंने उनका 5500 का पिया लिया बराबर। बात सही है, तो मैं जिस हिसाब से अग्नि स्थान चल रहा था मैं उसी हिसाब से ईशान भी चल रहा हूँ। ये मेरे को पक्का मालूम है, जब मेरा पूना 60-65 रुपये माल बिका था तो गोंडल में 150-200 गाड़ी आ रही थी। हाँ उस समय जब 60 रुपये की मार्केट हो गई हम लोग के वहाँ, तो आपके वहाँ गोंडल वोंडल में प्याज चालू हो गया था, आपके वहाँ 30-35-40 रुपये का प्याज बिक रहा था, उस समय भी कच्चा प्याज था, उस समय कच्चा प्याज था, और अनवर में प्याज बिक रहा था 32-33-34 रुपये का। अभी वो प्याज चलने वाला नहीं था, अभी बहुत कच्चा प्याज था। बरोबर, पर ये कहिए लिख दो गुजरात का माल 300-350 गाड़ी का घाटा कौन बुरेगा? पप्पू भैया आप बुरोगे? सही बात है, लिखो लिखो आप बुरोगे, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, मैंने सीधा फोन कर दिया, आप लिखो गोंडल। मैं पूरी आपका रिकॉर्डिंग किया हूँ, इसको अभी ग्रुप में छोड़ देता हूँ। भाई ग्रुप में जरा उसमें देख लेना भाई, आप मेरे को मत मरवा भाई, मैं कभी आप लिखो खाली गोंडल गुजरात का भाई, ये मेरा ठीक ठीक ओके ओके ओके।